हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या क्या दिया हुआ, एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो और 7x प्लस 9y माइनस 130 इक्वल टू जीरो। ध्यान रहे आपकी क्वेश्चन में 130 उस पार था, हमने इस पार लाया तो निगेटिव हो गया। यहाँ पर हमने यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही रूल हमको अपनाना है। यहाँ पर लिखना है आपको एक्स, फिर वाई, फिर आपको यहाँ पर वन। एक्स यहाँ पर x है तो x वाले टर्म को हाइड करना है, बाकी वाले जो टर्म दिख रहे हैं y, ये वाले इस y का कोफिशियन को यहाँ पर लिखना है माइनस वन। फिर ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसके y का कोफिशियन को यहाँ लिखना है, उसके बाद ये कांस्टेंट नंबर को यहाँ, फिर ये माइनस 130 को यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पर वेरिएबल है तो वेरिएबल यहाँ पर x था तो x के टर्म को हाइड किए, यहाँ पर वेरिएबल y है तो y वाले टर्म को हाइड करेंगे। तो क्या बचा है यहाँ पर हमारा, टू माइनस 130 इस साइड से आ रहे हैं तो इसी साइड से लेते हुए जाएंगे, तो 2 100 माइनस 130 ये हमने ले लिया। उसके बाद y के टर्म को तो हाइड कर लेना है, तो इधर से अब इधर आएंगे तो क्या बचेगा, x वाले टर्म बचेगा नहीं, x के कोफिशियन को 1, यहाँ पर x का कोफिशियन 7। बिल्कुल यहाँ पर 1 क्या है, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट टर्म को हाइड करना है, यहाँ से लेना है। देखो यहाँ पर 1 7 था तो यहाँ पर भी 1 7, यहाँ 2 माइनस 130 आ रहा था तो इधर भी आ रहा है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर 1 है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को हाइड करना है, तो इधर से आते हैं इधर से, यानी 1 और 7 1 और 7। उसके बाद y का कोफिशन यहाँ पर क्या है माइनस 1 और y का कोफिशन क्या है 9। अब आगे हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो माइनस 1 इंटू माइनस 130 कितना हो गया 130 हो गया, माइनस 9 इंटू 2 यानी माइनस 18 हो गया। ध्यान रहे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में एक साइन आएगा निगेटिव का, ठीक उसी तरह 7 2 14 और बीच में एक साइन जो आता है रूल के मुताबिक और एक साइन पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल सेम 9 1 9 और माइनस तो रूल के मुताबिक और माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व कीजिएगा तो एक बार इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखना है और इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखना है, तो एक्स का यहाँ पर वैल्यू निकल गया और यहाँ पर वाई का वैल्यू इजी वे में निकल गया। ठीक है, आप क्लियर तरीके से बार बार इसको देखो, सब एक ही तरीके से बनेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। और हम ब्लॉग चैनल है हमारा मार्फा ब्लॉग, उसका भी लिंक दे देंगे, वो भी आप वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं हमारे ब्लॉग चैनल को अगर आप इंटरेस्ट हो तो। ठीक है।